आज हम सीखेंगे स्कूल या कॉलेज में विद्यार्थी और टीचर इनके बीच में होने वाला संवाद. स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर. टीचर, गुड मॉर्निंग. स्टूडेंट, सर व्हेन इज आवर एग्जाम. सर व्हेन इज आवर एग्जाम. हमारी परीक्षा कब है. आई डिड नॉट अंडरस्टूड यस्टरडेज टॉपिक सर. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. सर मुझे कल का पाठ समझ में नहीं आया था, क्या आप आज फिर से उसे समझा सकते हैं. दूसरा स्टूडेंट यह पूछ रहा है, सर व्हाई डू वी फील मैथमेटिक्स टफ. हमें गणित यह विषय ज्यादा टफ क्यों लगता है. टीचर जवाब दे रहे हैं, नो सब्जेक्ट इज टफ, रिमूव द फीलिंग अबाउट टफ. कोई भी विषय मुश्किल नहीं है, मुश्किल होना न होना ये हमारी एक भावना है. बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट से टू योर सेल्फ दिस सब्जेक्ट इज ईजी. किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले अपने आप से मन ही मन में कहिए कि यह सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत आसान है. देन ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट फ्रॉम हार्ट. उसके बाद में विषय को दिल से यानी के संपूर्णतः ध्यान लगाकर विथ कॉन्सेंट्रेशन उसको समझने का प्रयास करें. नो सब्जेक्ट इज डिजाइंड टू फेल यू बट टू गिव यू नॉलेज. यानी के टीचर यहां पे यह जानकारी देना चाहते हैं, नो सब्जेक्ट इज डिजाइंड. कोई भी सब्जेक्ट इस प्रकार से बनाया नहीं गया है कि जिसके कारण आप लोग फेल हो जाओगे. टू फेल यू बट टू गिव यू नॉलेज, लेकिन आप लोगों को ज्ञान देने के लिए विषय की रचना कर दी गई है. इसका मतलब यही है कि मन से विषय का भय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है और पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने आप को स्वयं सूचना देना बहुत जरूरी है कि यह विषय मेरे लिए बहुत आसान है. स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर व्हाट करियर शुड आई चूज आफ्टर 10th. सर दसवीं के बाद मैं कौन सा करियर अपने आप के लिए ले लूं. सर बता रहे हैं, लेट मी आस्क यू व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ. सर ही पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, मैं ही तुम्हें पूछता हूं कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो. लेट मी आस्क यू व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ. स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन मार्क्स. वो तो हमारे गुणों के ऊपर निर्भर करता है. सर उनको अभी समझा रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच. नेवर डू एनीथिंग इन लाइफ विदाउट टारगेट. यह सोच गलत है, लक्ष्य के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं करना है. नेवर से डिपेंड ऑन मार्क्स. सेट टारगेट टू डू इंजीनियरिंग और मेडिकल और क्लास वन ऑफिसर. टारगेट के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं करना है. मार्क्स पर डिपेंड है ऐसा जरा भी मत कहो. इसका मतलब ऐसा है, अच्छे या बुरे मार्क्स ये कोई नसीब का खेल नहीं है. सबसे पहले लक्ष्य निश्चित करें, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है या मुझे क्लास वन ऑफिसर बनना है. उसके बाद में देन सेट अनदर टारगेट फॉर 80%, 90%, देन स्टडी फॉर इट एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. उसके बाद 80%, 90% का लक्ष्य निश्चित करके पढ़ाई कीजिए और देखिए रिजल्ट आपको कितना बढ़िया आएगा. स्टूडेंट बता रहे हैं घर घर की कहानी, 10th के स्टूडेंट है. सर माय पेरेंट्स हैव रिमूव्ड केबल कनेक्शन. सर मेरे घर में केबल कनेक्शन को निकाल दिया गया है.
So my younger sister always fights with me because she has lost her entertainment. Now what to do? Sir, मेरे माता पिता ने कल केबल कनेक्शन निकाल दिया है, इसलिए मेरी छोटी बहन मुझसे लड़ती है क्योंकि उसे अब कोई एंटरटेनमेंट नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? My younger sister always fights with me because she has lost entertainment. Now what to do? इसका मतलब यही है कि सर मैं अभी मेरे माता पिता को या मेरी बहन को कैसे समझाऊं? टीचर उसका आंसर कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं. This is big mistake by parents. 10th or 12th exam are also as easy as 8th or 9th exam. But parents always create the picture of monstrous and fearful board exams. So psychologically, students feel very nervous while studying. Parents asked to totally shut off TV, that is wrong. There should be some entertainment in life. Only we have to reduce TV watching hours and use time to study. One must have relaxing moments also while intense study. इसका मतलब क्या है? मतलब को जानने का प्रयास करें, वर्ड टू वर्ड जाने के बजाय ये किस प्रकार से फीलिंग को हम बता रहे हैं इनको जानना जरूरी हो जाता है. टीचर यहां पे बता रहे हैं यह माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है, दसवीं और बारहवीं की परीक्षा भी आठवीं नवीं कक्षा के जितनी ही इजी है. दिस इज अ बिग मिस्टेक बाय पेरेंट्स. 10th और 12th एग्जाम आर ऑल्सो एज ईजी एज 8th और 9th. लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा को पेरेंट्स अक्सर भयानक, क्रूर, काल्पनिक चित्र विद्यार्थी के मन के सामने खड़ा कर देते हैं, तो मानसिक रूप से विद्यार्थी पढ़ाई के वक्त नर्वस हो जाता है. टीचर बता रहे हैं बट दे क्रिएट अ पिक्चर ऑफ मॉन्स्ट्रस एंड फियरफुल बोर्ड एग्जाम. सो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट फील वेरी नर्वस वाइल स्टडिंग. टीवी को पूरी तरह से बंद रखना गलत है. जिंदगी में थोड़ा बहुत मनोरंजन भी जरूरी है. सिर्फ हमें टीवी देखने का वक्त थोड़ा कम कर देना चाहिए, वही वक्त पढ़ाई के अंदर यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि थका देने वाली पढ़ाई के बाद थोड़े रिलैक्सिंग मोमेंट्स भी होना जरूरी है. स्टूडेंट, अब ये रोमांचक ऐसा, रोचक ऐसा संवाद आगे बढ़ रहा है. यू मीन टू से आई कैन आस्क माई सिस्टर टू कोऑपरेट विथ मी टू वॉच टीवी सिलेक्टिवली? सर, आपके कहने का मतलब मैं अपनी बहन को समझाऊं कि वो थोड़ा सा समझौता करे और टीवी देखने का काम वो कर सकती है, देख सकती है, लेकिन थोड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए ही. स्टूडेंट, ओके सर, प्लीज टेल मी हाउ टू प्लान फॉर स्टडीज. सर, कृपा करके ये बताइए कि मैं पढ़ाई को कैसे प्लान करूं. टीचर बता रहे हैं फर्स्ट काउंट द डेज रिमेनिंग फॉर एग्जाम. ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं. फर्स्ट काउंट द डेज रिमेनिंग फॉर एग्जाम, यानी कि कितने दिन आपके बचे हुए एग्जाम के लिए, उसका आप पहला आंकड़ा निश्चित करें. देन मेक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम इजी टू हार्ड. कैसे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, लिस्ट बनानी है. इजी सब्जेक्ट पहला आएगा, उसके बाद में करते करते हार्ड सब्जेक्ट. देन डिवाइड डेज विथ इक्वल टाइम टू ईच सब्जेक्ट. मतलब के अगर मेरे पास 100 दिन है और 10 सब्जेक्ट मेरे है तो उससे मैं डिवाइड करूंगा, उसके बाद क्या होगा. देन रेड्यूस सम टाइम फ्रॉम इजी सब्जेक्ट एंड गिव इट टू टफ सब्जेक्ट. मैं क्या करूंगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए इक्वल मेरे पास टाइम जैसा ही निश्चित हो जाता है
उसके बाद में इजी सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा टाइम कम करूँगा। मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 5-5 घंटे मुझको मिलते हैं, तो मैंने अब क्या किया, जो टफ सब्जेक्ट है उसके लिए 6 घंटे का वक्त देने का काम शुरू किया, और इजी सब्जेक्ट जो है उसको 5 घंटे की जगह पर 4 घंटा देने का काम शुरू किया। दिस विल बैलेंस यूअर इंटेलिजेंस विथ हार्डवर्क, ये आपके इंटेलिजेंस को आपके हार्डवर्क के साथ में जोड़ देगा। राइट डाउन यूअर डेली रूटीन ऑनेस्टली, मतलब के सवेरे से उठकर शाम तक या रात तक हम क्या क्या करते हैं ये सब कुछ अपना रूटीन पहला लिख लीजिए। यू विल फाइंड मैनी अननेसेसरी थिंग्स यू आर डूइंग डेली, आपको यह पता चलेगा कि आप फालतू की चीजों के लिए अपना वक्त जाया करते हैं। सो स्टॉप दोज एक्टिविटीज एंड क्रिएट स्पेस फॉर स्टडीज, इसके लिए वो फालतू की एक्टिविटीज आप कम करें और अभ्यास के लिए, स्टडीज के लिए, अपने आप के लिए टाइम निकालने का काम करें, स्पेस बनाने का काम करें। उसके बाद में स्टूडेंट पूछ रहे हैं, इज इट ट्रू दैट ओनली अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, क्या सिर्फ सुबह के पहले का ही वक्त यानी कि भोर भय का ही वक्त पढ़ाई के लिए अच्छा है, ये सही है? टीचर जवाब दे रहे हैं, नो डियर, एवरी मोमेंट इन लाइफ इज प्रेशियस, हर एक क्षण उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना के सवेरे का वक्त, जितना के शाम का वक्त, यानी कि एवरी मोमेंट इन लाइफ इज प्रेशियस। यू कैन स्टडी एनी टाइम, कभी भी आप अभ्यास कर सकते हैं। व्हेन पीपल वेयर स्लीपिंग अर्ली एट 9 o'clock इन नाइट दे वेयर एबल टू गेट अप फॉर 4 o'clock और 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब के इंसान किसी वक्त आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जब 9 बजे से पहले सो जाते थे तभी उनको सवेरे 4 बजे 5 बजे उठना बहुत आसान हो जाता है। बट आवर लाइफ स्टाइल इज चेंज्ड, लेकिन बच्चों अब हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है। वी स्लीप लेट मैक्सिमम 11:30 इन द नाइट, सो वी गेट अप एट 6 or 7 o'clock इन द मॉर्निंग। हमारे आजकल सोने की आदतें इस प्रकार से हो गई है कि हम रात को 11:30 सोते हैं, इसके लिए हमें सवेरे उठने में दिक्कत पैदा हो जाती है, सवेरे हम 6 or 7 ही उठ पाते हैं। बट डोंट वरी, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई कारण नहीं है। व्हाई यू वेयर अनेबल टू गेट अप एट 4 or 5, इसके बारे में सोचना जरूरी है कि आप 4 or 5 क्यों नहीं जाग सकते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर स्लीपिंग एट 11:00, 12:00 इन द नाइट, क्योंकि आप रात को 11:00, 12:00 सोते हैं। बट टेक गुड रेस्ट, लेकिन नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है। गुड स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी एंड अवर ब्रेन, अच्छी नींद लेना हमारे मेमोरी पावर और हमारे दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। देन प्लान द डे एज टोल्ड अर्लियर, उसके बाद में संपूर्ण दिन भर में क्या क्या दिनचर्या रहेगी उसको पहले से ही निश्चित करें। टेक ब्रेक फॉर 10 minutes आफ्टर स्टडिंग कंटिन्यूसली फॉर 1 hour, उसके बाद में 10-10 मिनट के ब्रेक्स लेना जरूरी है, 1 घंटा जब आप लगातार स्टडी करते हैं। इसका मतलब यह हो जाता है कि 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा लगातार स्टडी नहीं करना है, बीच बीच में 5 मिनट के 10 मिनट के ब्रेक जरूर रखिए, तभी 1 घंटे भर के लिए जब आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में संपूर्णतः फिट हो जाएगा। ये ब्रेक क्या हो सकता है, चाय लेने का ब्रेक हो सकता है, ये ब्रेक टीवी देखने का हो सकता है, ये ब्रेक थोड़ा सा हल्का फुल्का गेम खेलने का हो सकता है, कंप्यूटर का गेम या घरेलू गेम, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है, या सबसे बढ़िया
कोई सुंदर सा आपको जो गाना पसंद आता है, म्यूजिक पसंद आता है, उसको आप जरूर सुने। स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर इफ आई फेल इन एग्जाम देन व्हाट टू डू, अगर मैं फेल हुआ तो क्या करूं। बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं ऐसा नहीं, और इसी के लिए हम इन सवाल जवाबों की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ऐसा नहीं, जीवन के लिए, जिंदगी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पहलू है। टीचर जवाब दे रहे हैं, डोंट वरी माई चाइल्ड, एनालाइज योर सेल्फ। जरा भी चिंता नहीं करें बच्चों, अपने आप को आप एनालाइज करें। स्टडी अगेन एंड अपियर फॉर एग्जाम अगेन, डोंट थिंक दैट लाइफ एंड्स एट फेल्योर इन एग्जाम। कभी भी ऐसा कतई मत सोचिए कि आप फेल हो गए और इसी के कारण, मतलब कि 10वीं 12वीं में फेल हो गए और संपूर्ण जिंदगी के एग्जाम से ही आप फेल हो गए, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। वी हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन टू गेट सक्सेस इन लाइफ। हमें हमेशा बार बार प्रयत्न करने चाहिए, तब तक प्रयत्न करने चाहिए जब तक कि हमें जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी। बच्चे कहते हैं थैंक यू सर। लाइक तो बनता है बॉस, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।